तो भाई आज मैं आपको वेलकम करता हूँ एथन जो है कैपिटल ग्रीस का। तो भाई स्टार्ट हो चुका है डे टू और आज का जो है सिटी में वाइब्स। अगर देखो तो मैं इस वक्त रुका हूँ मेन शहर के अंदर। तो इस किस्म की ये सिटी है भाई, देख सकते हो। बहुत ज़्यादा टूरिस्टिक है, मेरे ख्याल में इस कंट्री का दारोमदारी टूरिस्टों पे होता है। यहाँ पे ना तो कोई इनके पास मेरे ख्याल में इंडस्ट्री है, लेकिन कंफर्म नहीं है क्योंकि कोई रिसर्च नहीं है, तुक्के से ही बात कर रहा हूँ। कॉफ़ी शॉप्स जो हैं वो उनकी भरमार है, यानी रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप, सोविनियर शॉप, ये बहुत ज़्यादा। होटल, रात को मैं इस होटल में आया था पूछने के लिए, टेम्पी फुली बुक्ड। तो भाई इस चौराहे पे मैं पहुंच चुका हूँ, मैंने तो सीधा जाना है। इस साइड पे भी व्यू अच्छा है, इधर से मैं आया हूँ। और ये साइड पे सामने एक मॉन्यूमेंट है, चलते हैं उसको देखते हैं पहले कि वो क्या है। तो ये जी कोई पुराना चर्च ही लग रहा है, चलते हैं देखते हैं। अंदर मोमबत्तियाँ जल रही हैं, एंट्री जो है इस चर्च के अंदर हो गई है। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि पानागिया चर्च जो कि एथन यूनान में वाक़या है, ये एक तारीखी और ख़ूबसूरत चर्च है। इसकी तनमीर 19वीं सदी के दौरान हुई और ये एक मुनफरद मामराना अंदाज की शोहरत रखता है। ये चर्च ख़ास तौर पर मकामी लोगों और सियाहों के लिए एक मुकद्दस जगह है। ये चर्च यूनान की ऑर्थोडॉक्स ईसाई रवायत का एक अहम हिस्सा है। ये बसमसा मथक तर्ज का एक नमूना है जो ख़ास तौर पर इसकी खूबसूरत गुम्बद और रंगीन विंडो की वजह से मशहूर है। ये चर्च एथन के मरकज़ में वाक़या है जो इसे सियाहों के लिए एक मकबूल जगह बनाता है। अक्टूबर 2023 में यूनान के शहर एथन की आबादी तकरीबन 30 लाख अफराद पर मुश्तमिल है जो कि इसके मेट्रोपॉलिटन इलाके में है। ताहम आबादी के दादोशुमार वक़्त के साथ बदलते रहते हैं। कोई भी चार्जेस नहीं पे किए, फ्री में अंदर से घूम के आ गए। उनके सारे एक जैसे अंदर से ऑर्थोडॉक्स जितने भी चर्च होते हैं, मतलब दो टाइप के मेरे ख्याल में चर्च होते हैं, एक ऑर्थोडॉक्स और एक कैथलिक शायद। मैं इतना ज़्यादा इनके बारे में नहीं जानता। एथन में सियाहों की तादाद साल ब साल मुख्तलिफ होती है। आमतौर पर एथन एक मशहूर तारीखी मकाम है और हर साल लाखों सियाह यहाँ आते हैं। 2019 में तकरीबन 5.5 मिलियन सियाह एथन का दौरा कर चुके हैं। ये तादाद हर साल तकरीबन 50-60 लाख के दरमियान ही रहती है, लेकिन कोविड-19 की वबा की वजह से 2020 और 2021 में ये तादाद काफ़ी कम रही। सिमिलर ही होते हैं। और दूसरे नंबर पे जो है गर्मी भी काफ़ी है, ऐसी जगहों पे धूप काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो लुक खैर गलियों की, बाज़ारों की काफ़ी अच्छी है। तो भाई जी मोस्टली जो है ना यहाँ पे जो हिस्ट्री मिलती है उसके आसार ऐसे हैं। मैंने ये इटली और तुर्की में बहुत ज़्यादा देखा हुआ है। तो ये लो दरवाज़े से आपको एक व्यू दिखा देता हूँ, पुराने पत्थर कतबे और इस किस्म की, ये रोमन हिस्ट्री का मुंह बोलता सबूत है मेरे ख्याल में। तो जी इतना सा ही काफ़ी है, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में आपको भी इतना इंटरेस्ट नहीं होगा। तो ये दीवार है, बाहर से आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरह की है। एथन यूनान में लोगों की आमदनी मुख्तलफ अवामल पर मुनहसर होती है, जैसे कि इनकी मलाजमत की नौयत, तजर्बा और सनती शोबा,
आम तौर पर एथन में महाना औसत तनख्वाह तकरीबन 1200 से 1500 यूरो महीने के दरमियान होती है, लेकिन ये रकम कम या ज़्यादा भी हो सकती है। जहाँ तक मज़हब की बात की जाए तो यूनान में ज़्यादातर लोग ईसाई हैं, ख़ास तौर पर यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च के पैरोकार एक अंदाज़े के मुताबिक यूनान की आबादी का तकरीबन 90% ईसाई हैं, जबकि बाकी लोग दीगर मज़ाहब या गैर मज़हबी हैं। यूनान और पाकिस्तान के दरमियान वक़्त का फ़र्क तकरीबन 3 घंटे है। अगर यहाँ एथन में शाम के 6 बज रहे हैं तो पाकिस्तान में 9 बज रहे होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एथन के मुकाबले में 3 घंटे आगे है। यूनान में रहने वाले पाकिस्तानियों की तादाद वैसे तो शायद लाखों में हो, लेकिन रजिस्टर्ड पाकिस्तानियों की तादाद यहाँ पर 15 से 20 हज़ार के दरमियान हो सकती है। ये ज़्यादातर पाकिस्तानी यूनान के अंदर मजदूरी के लिए या बेहतर ज़िंदगी की तलाश में आते हैं। यूरोप की 12 कंट्रीज़ घूमने के बाद मुझे ये जो रात थी एथन की, ये पड़ी है तकरीबन 170 यूरो में, जो अब तक की मेरी सबसे महंगी रात आप कह सकते हो यूरोप के अंदर। सिचुएशन क्या थी वो तो मैंने आपको बता दी और दिखा भी दी कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। गलती मेरी खुद की है, लेकिन कुछ ना कुछ हॉस्टल वालों को मेरे साथ अच्छा सलूक करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। खैर क्या कह सकते हैं, इसमें मेरा कोई ज़ोर तो है नहीं। तो फर्स्ट इम्प्रेशन अब अच्छा है या बुरा है, इसका फ़ैसला मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया तो कर लो और घंटी का बटन भी दबा दो। तो भाई क्या कहते हैं इसको, फैसला आप कर दो, कमेंट्स में बताना ज़रूर। तो भाई इसके मैं टिकट की लाइन तक पहुंच चुका हूं, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं नहीं मानता, मैं तो हिम्मत नहीं कर सकता इसके ऊपर जाने की और देखने की। शायद लोग तो धड़ाधड़ ऊपर जा रहे हैं, किस किस्म का ये सराउंडिंग है उसका। ये है भाई एक्रा पुलिस एथेंस के अंदर सबसे ऊंचा स्पॉट यही है। देख लो गर्मी में लोग कैसे खड़े हैं टिकट लेने के लिए, और उसके बाद वो ऊपर जाना है वहाँ पे, और वहाँ पे भी गर्मी ही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ पे बैठा हूँ, मैंने तो भाई गोडे टेक दिए हैं। तो ये भाई यहाँ पे आपका भाई बैठा हुआ है एक पौधे की छांव में, और मेरे एक अजीज़ मिलने के लिए आ रहे हैं, मैं तो उनके इंतज़ार में बैठा हुआ, वो आते हैं तो फिर उनके साथ चलेंगे कहीं खाना वाना खाएंगे। मैं तो ऊपर जाने वाला नहीं हूँ भाई, अगर कहीं से आपको इसका व्यू दिखा सका तो वो ज़रूर दिखाऊंगा। अगर आप आना चाहो तो रेकमेंड करूँगा अर्ली मॉर्निंग, लाइक आप सनराइज़ यहीं पर आके देखो, टाइमिंग मैं चेक करके आपको बता देता हूँ। तो भाई ये है 8 बजे खुलता है सुबह और 8 बजे शाम तक है ये। तो टिकट इसकी मेरे यहाँ 20-30 यूरो की है, टिकट पैकेज एंट्रेंस टिकट पता नहीं, अब खुद ही देख लो और पढ़ लो। सामने का माहौल कुछ इस तरह का, ये यहाँ के एरिया में वो सामने पत्थर पे मैं बैठा हुआ था। तो सुबह आ जाओ, गर्मी तो कम होगी थोड़ी। अगर एथन की तारीख की बात की जाए तो ये 4000 साल पुरानी है। तो चलते हैं, मैं आपको यहाँ के 5 मशहूर व मरूफ जो साइट्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ। एक्रापोलिस ये नंबर 1 पे आ जाता है, ये एथन का सबसे मशहूर तारीखी मकाम है और यूनान की कदीम सकाफत की अलामत है। यहाँ पर आप थेनोन और एथनानाइक के मंदिर देख सकते हैं। नंबर 2 पे आता है कदीम अगोरा यानी एशियंट अगोरा, ये जगह कदीम यूनानी ज़िंदगी का मरकज थी, जहाँ तजारती सकाफती और सियासी सरगर्मियाँ होती थीं। यहाँ आपको मुतद तारीखी तमीरात और अफसानवी मकामात मिलेंगे। नंबर 3 पे आता है कौमी सारे कदीमा का म्यूज़ियम यानी
नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम यूनान की सबसे बड़ी और अहम आर्कियोलॉजी की नुमाइश पेश करता है। यहाँ कदीम यूनानी सकाफत के मुख्तलफ आसार और मजस्मे दिगर नवादरात देखे जा सकते हैं। तो नंबर चार पे टेंपल ऑफ ओलंपियन ज्यूस, मंदिर ऑफ अज्यूस भी इसको कहा जाता है। ये कदीम यूनानियों का ज्यूस के लिए एक शानदार मंदिर था। अगरचे ये जज़वी तौर पर बाकी रह गया है, लेकिन इसके कुछ अजीम सतून आज भी मौजूद हैं। नंबर पाँच पे आता है सेंटागामा स्क्वेयर। ये एथन का मरकज़ी चौक है। यहाँ यूनानी पार्लियामेंट हाउस वाक़िया है। यहाँ आप तब्दीली की तकरीब भी देख सकते हैं। तो जी, ये मेरे अजीज़ हैं अली भाई, अली शेर भाई। चलो जी, मिलो जनाब। मुलाकात हो गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह। तुसा अपनी सुनाओ। शुक्र जी, ठीक ठाक। अच्छा जी, ये केड़ा सलाद है जी? कोरिया टिको। ये है जी ग्रीक सलाद कोरिया सीटो। कोरिया टिको। इन्हें क्या तुसा आने चिप्स इन्हें बताते सर बताते। तो जी ये है योगर्ट। योगर्ट के अंदर कोकनबर्ग और ओलिव ऑयल और ये समझ लें कि रायता ही बना हुआ है, ग्रीक रायता कह लें आप। ये ब्रेड है यहाँ जी, गर्म करके दे जैतून का तेल। एक होनी है रीगानी, जिसने टैप उसकी कर लो, गबूरी ला लो, जो जिसने ला लो, उसने पत्ते नहीं है। चलो जी, जो भी है भाई, ये ब्रेड है। ओलिव ऑयल लगा के तेल लगे स्लो है जी, मज़ा आया जी। तो ये है जी हमारा लंच और ये है रेस्टोरेंट। इस तरह की सेटिंग है, देसी का माहौल है। इसके बाद आने वाली चिकन की जो डिश थी वो बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस थी, यहाँ तक कि मैं वीडियो बनाना भी भूल गया। तो इसका कितना खर्चा आया ये मेरे मेज़बान ने मुझे नहीं बताया। क्या नाम है जी? खल्की दा जजीरा है। इसके पुल से हम गुजर रहे हैं। तो ये पानी 12 घंटे एक साइड पे और 12 घंटे एक साइड पे, ऐसे ही है जी? जी ऐसे, ये पानी दोनों तरफ चलता है। हम पहुँच चुके हैं जजीरे के अंदर। थोड़ा सा ठंडी हवा का झोंका भी आया है जी। तो जी ये जजीरे च बढ़न ना के निकलन ना? ये बढ़न नहीं, इतने वैसे एक दरवाजा है, पुराने वक्त मस्जिद भी किता है, तुम दसने। अच्छा, इतने मस्जिद भी आया, तो वापसी तुम दसो कि अच्छा। पानी सारा इतने इतने लग जाना, आ गया पानी छटे मारना, इतने कहना पानी पानी सारा इधर आ जाना, वापस जा रहा है भाई। ये पानी है सुबह ऊपर आ जाता है, शाम को पीछे आ जाता है पानी वापस। तो ये गलियां बाजार हैं जी इस जजीरे के, मतलब समंदर का अपना ही स्वाद है। क्या हाल है? हाँ जी, बिल्कुल। तो करने तो ये है जी यहाँ के लोग, जो जाके आगे समंदर से मिल जाती है। तो वो सामने ब्रिज है, चलते हैं उस तरफ, आपको दिखाते हैं। तो भाई अब ये पानी वापस जाना शुरू हो गया, मतलब ये समझ लें कि ये लेक दोनों तरफ चलती है, कभी पानी इधर चलना शुरू हो जाता है, कभी इधर चलना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। और ये ब्रिज है जो ये एम्स्टरडैम की तरह उठा लिया जाता है।